हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर की डेफिनेशंस क्या होती हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लूरल नंबर क्या होते हैं। परंतु एक जो सिंगुलर वर्ड्स होता है, सिंगुलर नंबर का जो वर्ड्स होता है, उसे प्लूरल नंबर में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, कैसे उसे परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं रूल्स को देखने वाले हैं कि किस प्रकार हाउ टू चेंज ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, मतलब किस प्रकार एक सिंगुलर नंबर का जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है, उसका प्लूरल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसके जो कुछ रूल्स हैं और रूल्स हम देखेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रूल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं नियम, फर्स्ट नियम क्या बोलता है। जनरली मतलब कि सामान्यता, किसी भी नाउन के अंत में, मतलब जो भी नाउन वर्ड्स हमारे सामने हैं, जो नाउन है, जो सिंगुलर नंबर का हमारे सामने नाउन है, उसके अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जनरली हम जानते भी ये है कि यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का हमें प्लूरल बनाना है, किसी भी एक वचन को हमें बहुवचन में कन्वर्ट करना है इन इंग्लिश में, तो जो वर्ड हमारे पास में है, जो वर्ड्स हमारे सामने है, इंग्लिश का जो वर्ड्स है, सिंगुलर नंबर का जो वर्ड है, उस वर्ड के लास्ट में एस जोड़ दिया जाता है, तो जो वर्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? प्लूरल नंबर में, मतलब बहुवचन में बदल जाता है। जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल, फैन, एफ एन, फैन, फैन में यदि एस जोड़ दिया जाए, एफ एन एस, फैंस, तो सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। मतलब कि फैन मीन्स पंखा, केवल एक पंखा, और फैंस मतलब एक से अधिक पंखे। शर्ट, शर्ट में सिंगुलर है तो शर्ट मतलब एक शर्ट, और शर्ट्स मतलब एक से अधिक कमीज जो होती हैं। हॉर्स, हॉर्स मीन्स एक घोड़ा, और हॉर्सेस मतलब कि एक से अधिक घोड़े। होम मतलब कि एक घर, एंड होम्स मतलब एक से अधिक घर। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे पेन, तो पेन का पेन्स मतलब एक से अधिक पेन। चेयर मतलब कुर्सी, केवल एक कुर्सी, और चेयर्स मतलब एक से अधिक कुर्सियां। फ्रेंड मतलब एक दोस्त, एक मित्र, और फ्रेंड्स मतलब एक से अधिक मित्र। डॉग मतलब कि एक डॉग, और डॉग्स मतलब एक से अधिक डॉग। तो यहां पर हमने देखा कि जनरली हम क्या करते हैं, एक से जो एक है, जो हमारे पास में एक वर्ड है, कोई सा भी जो सिंगुलर का वर्ड है, उसमें केवल एस जोड़ दिया जाता है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार का कोई भी वर्ड है, जनरली बोला गया है सामान्यता, ऐसा नहीं है कि हर वर्ड के लिए यही रूल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आने वाले जो रूल्स है उसमें हम और भी डिफरेंट रूल्स देखेंगे कि किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। परंतु सामान्यता में याद रखना है कि यदि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में यदि एस जोड़ दिया जाता है तो वो सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।